brought to you by Techno Camon 30 series. हमारा सदैव विश्वास था प्रधानमंत्री जी का, जो एक संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक विकसित नेतृत्व, एक कुशल नेतृत्व, और उनके नेतृत्व में जो भारत पिछले 10 वर्षों में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक विश्व पटल पर अग्रसर हुआ है, आज देश की जनता, 140 करोड़ जनता का विश्वास अगर एक व्यक्ति में है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। और आज वो स्पष्ट विश्वास का एक आकलन हमें एग्जिट पोल्स में देखने को मिला है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 4 तारीख तक हम इंतजार करें, एक ऐतिहासिक परचम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लहराएगी और आने वाले समय का, केवल 5 साल के एक निर्माण कार्य का एक मानचित्र केवल नहीं, लेकिन अमृत काल से शताब्दी काल की सफर 2047 तक एक मानचित्र प्रधानमंत्री जी ने बनाया है देश को अग्रसर करने के लिए। हम 11वीं बड़ी आर्थिक शक्ति थे, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट कल के ही आंकड़े आपने देखे हैं, 8% दोबारा हम लोग पार कर चुके हैं और आने वाले 2027 तक तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति पूरे विश्व में हम बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जर्मनी और जापान को भी पार करके। जी, इस इलेक्शन के लिए हमने बना था, क्या लगता है आपको विफल हो गया है वो, क्योंकि वो तो 295 का आंकड़ा दे रहे हैं हमने लिए। जिन लोगों के पास ना कोई एजेंडा, जिन लोगों के पास ना कोई समन्वय, जिन लोगों के पास ना कोई सिद्धांत, जिन लोगों के पास केवल स्वार्थ, वे सब के सब एक साथ हो गए एक व्यक्ति के विरुद्ध, लेकिन भूल गए कि उस एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के रूप में उनके साथ 140 करोड़ देश की जनता एक साथ खड़ी हुई है। और अब आने वाले 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सर, अलग अलग एग्जिट पोल है जो एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं 350 के बाद, लेकिन जो राहुल गांधी हैं वो कह रहे हैं मोदी का फैंटेसी पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी जो स्थिति आज i.n.d.i.a गठबंधन की हो चुकी है, या मैं कहूं गठबंधन नहीं, ये तो एक ठगबंधन है जो देश को ठगने का के मकसद के साथ एक साथ एकत्रित हुई है। और देश की जनता आप जान चुकी है, और जैसे मैंने आपको कहा कि उनका पर्दाफाश 48 घंटे में होने वाला है। जी, आपकी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी जो एग्जिट पोल में अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मध्य प्रदेश की जनता का पूर्ण विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, चाहे विधानसभा का चुनाव का नतीजा हो, जहां हर एक विशेषज्ञ कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये मध्य प्रदेश की जनता ने बार बार स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री जी में पूर्ण विश्वास मध्य प्रदेश की जनता का है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो और चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। इस लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में प्रदेश की जनता देने जा रही है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी अशोकनगर में घटना हुई थी जहां पर मोलेस्टेशन लड़की के साथ किया गया था, आरोपी के घर पे आपने बुलडोजर चलवाया, पहली घटना जैसा हुई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए, जहां किसी भी महिला या किसी भी नागरिक के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोई व्यक्ति कोशिश करे, उनको पूर्ण सख्ती की सजा देने का दायित्व राज्य सरकार के प्रशासन का होता है और एक जनसेवक का होता है। मैंने चुनाव में कहा था कि चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे माफिया राज हो, इसकी समाप्ति हम लोग पूर्ण रूप से करेंगे, और आज उसका एक दृश्य हमें देखने को मिला है, जहां किसी व्यक्ति ने अगर जुर्रत की
मेरी मातृशक्ति के प्रति अगर उंगली उठाने की, ईंट का जवाब पत्थर से प्रशासन देने के लिए तैयार है। ऐसी और भी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी, बुलडोजर कार्रवाई? मैं तो चाहूंगा कि ऐसे कोई घटना ही न घटे, लेकिन अगर कोई ऐसी घटना घटेगी तो कानून अपना रास्ता तय करेगा और प्रशासन भी अपना रास्ता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।